ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं महेंद्र कदम माई गुरुद्राक्ष में आप सबका फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं और मेरे सभी भाइयों बहनों को, मेरे सभी प्रिय दर्शकों को श्रावण मास 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, बहुत सारे मेरे दर्शकों को ये भी डाउट होता है, कॉमन डाउट जो बाकी सब होते हैं, कि क्या रुद्राक्ष में नैसर्गिक हृदया छेद रहता है या नेचुरली होल रहता है, या हमको रुद्राक्ष धारण करने के लिए उसको उसमें होल करना पड़ता है, छेद करना पड़ता है। तो अगर आप भी इस बारे में मेरा मत जानना चाहते हैं, ओपिनियन जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिए आखिर तक। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, मैक्सिमम आपसे जितना बनता है उतना आप मेरे इस वीडियो को आपके प्रियजनों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके नेबर्स में, अब कलीग्स जो भी है, जो भी धार्मिक चीज़ों में, स्पिरिचुअल चीज़ों में, अध्यात्म में इंटरेस्ट रखते हैं, उनमें ये वीडियो मेरा या फिर मेरा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाले हर यूट्यूब वीडियो का और शॉर्ट्स का आप आनंद उठा सकें। दोस्तों, कैसा है कि रुद्राक्ष में तो नेचुरल होल होता ही है 101%, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो नेचुरल होल इतना ट्रांसपेरेंट या फिर इतना प्रॉपर नहीं होता है कि जिसमें से आप कोई थिक थ्रेड डाले, धागा डाले, जैसे सिल्क का वगैरह हो गया, या फिर आपको कोई थिक मेटल का, गोल्ड का सिल्वर का पंचधातु का, कॉपर का कोई थिक मेटल वायर डालना है उसमें, तो उतना वो ज़्यादा प्रॉपर होता नहीं, ट्रांसपेरेंट होता नहीं है। उसमें बहुत हल्का सा छोटा सा छेद होता है, जो मेरे ख्याल से कभी कभी दोनों तरफ से समान नहीं होता है। तो अगर आपको उस रुद्राक्ष को धारण करना है, उसके ऊपर प्यारा सा कोई मेटल का कैपिंग करना है, या फिर थिक धागे में पहनना है, सिल्क के धागे में, या फिर आपको सिर्फ मेटल वायर में ही पहनना है, तो उसके लिए आपको रुद्राक्ष को होल करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर हमको रुद्राक्ष धारण करना है तो किसी न किसी चीज़ में, किसी न किसी मेटल में या धागे में हम उसको पहनेंगे, ऐसे तो हम उसको पहन नहीं सकते। उसकी कोई ये बोलेंगे ना, उसका कोई चांस ही नहीं कि विदाउट होल किए हुए हम रुद्राक्ष अपने शरीर पर धारण कर सके, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। तो आपको रुद्राक्ष होल करना ज़रूरी है, उसमें छेद करना ज़रूरी है धारण करने के लिए। अभी इसमें भी आप कुछ बातें हैं कि लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम रुद्राक्ष में अगर होल करेंगे तो वो अंदर से डैमेज हो जाता है, या फिर वो होल करने के बाद, छेद करने के बाद पहनने लायक नहीं होता है, या फिर उसमें से हमको अपेक्षित परिणाम नहीं आता है, या फिर उसकी एनर्जी नष्ट हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हमको उसको धारण करना है तो किसी न किसी चीज़ में उसको पहनना पड़ेगा, और वो करने के लिए हमको उसको छेद करना बहुत ज़रूरी है। बिना छेद किए हुए आप उसको धारण कर ही नहीं सकते। तो होल करने से कोई रुद्राक्ष कभी खंडित नहीं होता है। तो लेकिन इसके बाद बारे में होल करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप कोई स्किलफुल कारीगर जो होता है, आर्टिजन होता है, उसकी मदद से ही, उसकी सहायता से ही उस रुद्राक्ष में होल करे, ताकि वो ही उसमें प्रॉपरली होल या छेद कर सकता है। अन्यथा वो रुद्राक्ष अंदर से डैमेज होने का चांस ज़्यादा होता है। शायद कुछ लोग इसी बात से डरते होंगे, इसीलिए उसमें छेद ना करना पसंद करते होंगे, कि अंदर से अगर होल करते वक्त अंदर से कुछ डैमेज हुआ या क्या हुआ तो क्या करेंगे, फिर उसको पहनने का कोई मतलब नहीं। तो जो भी एक्सपर्ट है इस फील्ड में, या जो भी जानकारी है, स्किलफुल पर्सन है, एक्सपीरियंस पर्सन है, जो ये काम करता है, कर चुका है और ये काम आसानी से कर सकता है, उस बंदे से आप ये काम कीजिए। तो मुझे लगता है अगर कोई स्किलफुल पर्सन से आप ये काम करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मेरी राय मानेंगे आप तो आप रुद्राक्ष लीजिए, उसको होल करके, स्ट्रीम करके, जैसा आपको चाहिए वैसा आप लेके एनर्जाइज करके उसको पहनिए। श्रावण मास का ऑस्पिशियस पवित्र समय अभी चल रहा है, जो कि रुद्राक्ष धारण करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपकी बहुत सारी इच्छाएँ इस रुद्राक्ष पहनने के बाद श्रावण महीने में पूरी हो सकती हैं। तो एक ट्राई कीजिए। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हम लोग ट्राई कर चुके हैं अभी तक, शायद मतलब जब भी कुछ भी किसी भी चीज़ में हमको कोई समस्या है तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, लेकिन उसमें अपेक्षित परिणाम नहीं आता है। तो मेरी राय मानेंगे, मेरा 12 साल का अनुभव देखेंगे, और मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जिनके लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस आया उसका परिणाम आप देखेंगे,
तो मुझे लगता है कि एक ट्राई देना चाहिए आपको रुद्राक्ष में, रुद्राक्ष पहनना चाहिए। हम लोग आपको रिकमेंडेशन देने के लिए 24/7 रेडी हैं। आपको ऑथेंटिक रुद्राक्ष मिलेगा, रीजनेबल प्राइस में मिलेगा। आपको जिस तरीके से उसको स्ट्रिंग करके या बांध के चाहिए वैसे वो आपको मिलेगा। एनर्जाइज तो बाय डिफ़ॉल्ट हम करके देते ही हैं, भले कोई हमसे 5 मुखी रुद्राक्ष ले या फिर 21 मुखी रुद्राक्ष ले, तो सारा प्रोसेस सारा चीज़ सिस्टमेटिकली करके ही हम लोग रुद्राक्ष कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं, ताकि हमको भी उस कस्टमर का आशीर्वाद मिले, भगवान शिव का आशीर्वाद मिले और इतनी शक्ति मुझे मिले कि मैं लोगों के रुद्राक्ष के बारे में नॉलेज स्प्रेड करने में हेल्प कर सकूं और लोगों को बेस्ट क्वालिटी रुद्राक्ष बेस्ट रिजनेबल प्राइस में अच्छी तरीके से बांध के, यूनिक तरीके से बांध के लोगों की सहायता करूँ। तो आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। ओम नमः शिवाय।